जहां एक ओर सरकार शिक्षा के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश के स्कूल में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। जर्जर स्कूल भवनों में कक्षाएं लगाई जा रही हैं, जहां बच्चे जान जोखिम में डाल के पढ़ने के लिए मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस सीएम राइज स्कूल खोले गए हैं। वहीं दूसरी ओर मैहर जिला का एक ऐसा हाई स्कूल भी है, जहां आज भी बच्चे जर्जर भवन के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल की छत से पानी टपक रहा है और बच्चे वहां बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने जब इस विद्यालय भवन को जर्जर घोषित करते हुए डिस्प्लेसमेंट के आदेश दिए हैं, उसके बाद भी बिल्डिंग के भीतर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैहर जिले के रामनगर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय देवराज नगर के प्राचार्य रामलखन रावत ने बताया कि तेज बारिश में स्कूल के हर कमरे से पानी टपकने लगता है। इसके लिए लगातार वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी भी दी गई है, इसके बाद भी नई बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। प्राचार्य ने शासन और वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि बच्चों की हालत देखते हुए इस जर्जर भवन को गिराकर नया भवन बनाया जाए। इसको मैं शिक्षा विभाग से बात करके देख लेती हूँ कि क्या उसकी पीडब्ल्यूडी से कंडेम की परमिशन आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। अगर आ गई होगी तो वैकल्पिक व्यवस्था करवा करके जरूर उसको किया जाएगा। सर क्या करें, हम लोग बंधे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि शासन का आदेश है कि किसी भी हालत में अगर जर्जर जमीन मतलब विद्यालय है उसमें नहीं लगाना है। इसके बावजूद ही हम लोग छात्रों को किसी न किसी तरह बैठाते हैं, मौसम को अगर देखते हैं तो फिर एक घंटे बाद छुट्टी भी दे देते हैं। क्या करें, मजबूरी अपने पास है। जबकि शासन द्वारा सन 2022 में इसको पूरी तरह से डिसमेंटल घोषित कर दिया गया है, इसके बावजूद भी हम लोग किसी न किसी तरह से छात्रों को पढ़ाई में कमी नहीं करते हैं। अब जर्जर भवन तो है ही, और छात्रों के हिसाब से हम लोग पूर्ण व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं। मैं संस्था के पीटीए के माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराया आज के 3 वर्ष पहले, और इसके बाद ये पहले आप ये जान लीजिए कि डिसमेंटल क्यों हुई है। ये डिसमेंटल बिल्डिंग इसलिए हुई है कि ये बिना कालम की बिल्डिंग बनी हुई थी और इसकी म्याद होती है 25 वर्ष, जिसके कारण पीडब्ल्यूडी ने सबसे पहले डिसमेंटल किया, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिसमेंटल किया, फिर एसडीएम रामनगर ने डिसमेंटल किया, तब जाके कलेक्टर सतना द्वारा 15 सितंबर 2022 को ये विद्यालय डिसमेंटल है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।